हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। गाइस कैसे हो आप सब? आए पर चंगे बढ़िया हूँ, मैं भी एकदम मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। अभी गाइस जो है कि मैं आ चुका हूँ पानीपत के असंद रोड पे, असंद नहर पे। तो असंद नहर पे भाई क्या नज़ारा बना हुआ है, क्या नज़ारा नहीं बना हुआ, क्योंकि भाई आज यहाँ पे होने वाली है छठ पूजा। तो जो कि बिहारी लोगों का, बिहारी भावों का जो कि छठ पूजा जो कि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वही जो है कि आज से जो है कि 7 तारीख से जो है कि छठ पूजा का महापर्व जो है कि भाई बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और देख जो उससे पहले दिखाते हैं भाई आप लोगों को भी क्या क्या तैयार हैं जो कि प्रशासन ने कर रखी है यहाँ पे, सारी व्यवस्था दिखाएंगे आप लोगों को, क्या क्या व्यवस्था है, दुकानें कैसे लगी हुई, क्या है, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी धीमी आर हो रही है, उसके लिए खेद है, क्योंकि भैया सर्दी का टाइम है, सर्दियों में जो है कि भाई क्वालिटी थोड़ा साफ नहीं आती। सामने देख सकते हैं भाई महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही बड़ा विशाल है। और इधर जो है कि सामने नहर है, नहर भी दिखाएंगे आप लोगों को, सारा कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, डिटेल से दिखाएंगे क्या भाई कितनी जो है कि तैयारियाँ कर रखी है भाई प्रशासन की तरफ से, और जो है कि दुकानें भी कितनी सजी हुई, क्या सजी है, सारा कुछ दिखाएंगे आप। तो बिना देर के चलते हैं अपन लोग वीडियो की ओर। अगर इससे पहले आपने लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना। कुछ दुकानदार जो है कि यहाँ पर लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने दुकानदार जो है कि दुकान वकान खोल रखी है यहाँ पर। तो अभी माल जो है कि भाई भाइयों ने उतारा नहीं है, सारा माल यहीं रखा। देखो छठ पूजा का कुछ बोर्ड जो कि दैनिक जागरण वालों की तरफ से भी यहाँ पे लग चुका है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो आप सभी को जो है कि छठ, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं छठ की महापर्व। घर चलते हैं फटाफट से बिना देर के अंदर, दिखाते हैं भाई कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं। देखो तो कुछ दुकानदार भाई जो है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे अभी अभी जो कि आए हुए हैं। तो दिखाते हैं फटाफट से, अभी जो कि सामान आया ही है इनका, चलते फिर उधर नहर की तरफ। इस साइड दोनों साइड देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि काम चालू है। ये देखो भाई दुल्हा दुलाई के काम शुरू हो रहा है अभी, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। और जो है कि अपने अपने जो है कि कल तक जो है कि नहर के पानी में जो है कि बिल्कुल ही पानी नहीं था, लेकिन आज जो है कि नहर में जो है कि पानी छोड़ दिया गया है। कुछ इस तरह से सारे लोग अपने अपने जो है कि जगह घेर रहे हैं बनाने की, कुछ इस तरह से बना देंगे ये लोग अपने अपने लिए। तो मतलब बहुत ही जो है कि बड़ा है भाई घाट, छठ घाट देख सकते कुछ इस तरह से। पानी देख सकते बिल्कुल साफ हो रखा है, ये देख सकते कुछ इस तरह से बिल्कुल साफ देख सकते हैं ये लोगों को। कल रात से जो है कि पानी छोड़ दिया गया था यहाँ पे नहर में, ये देख सकते कुछ इस तरह से। ये देखो भैया नज़ारा कुछ इस तरह से, पहली बार बना रहा हूँ मैं इस चीज़ की वीडियो, इसलिए मुझे चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो है कि भाई कुछ बोर्ड लगा गया इस प्रकार की, आप सभी का नगरवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस मतलब श्री प्रधान श्री राजेंद्र यादव, श्री कृष्ण पवार जी, महिपाल डांडा जी, प्रधान ये सारे जो लोग हैं जो इनकी तरफ से जो है कि छठ के महापर्व, और इनकी तरफ से नहीं गाइस हमारी तरफ से भी छठ के महापर्व, छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो है कि भाई स्टेज वगैरह जो है कि तैयार हो रहा है, इस देख सकते बहुत ही बड़ा स्टेज जो है कि यहाँ पे तैयार हो रहा है। यहाँ पे जो है कि आनंद सरोवर होंगे कि जो है उधर उदंग बाज हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को पता ही होगा कि बिहारी बाबू जो है कि भाई कई जगह जो है कि हुड़दंगबाजी ज़्यादा मचाए तो उनके लिए भाई लठ की विशेष प्रबंध किया गया है प्रशासन की तरफ से। तो बिहारी बाबू कहीं पर गुटखा खा के थूक देते हैं, कहीं बार जो है कि मतलब आपको पता है हुड़दंगबाजी ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए उनके लिए लठबाजी का भी जो है कि प्रबंध कर दिया गया है। तो आनंद सरोवर भी ज़रूरी है भाई उनके लिए, फट्टी फट्टी लगाए गए हैं भाई, आए हैं बहुत दूर से। कहाँ से आए भैया? यहीं से, कच्चे गांव से। अच्छा छठ पूजा यहाँ पे आज से शुरू है ना? आज से। अच्छा हैं? आज पहला दिन है। अच्छा पहला दिन है, तो मतलब आज से सारी जगह घर लेंगे लोग, मतलब अभी तक तो आए नहीं? अभी नहीं आएंगे, 3 बजे आएंगे। दिन के 3 बजे? 3 बजे दिन में, फिर सारी रात भर बैठे रहेंगे यहीं? हाँ शाम को जब तक सूरज नहीं डूबेगा तब तक बैठे रहेंगे। अच्छा फिर शाम को आएंगे, ये रात में वही 3-4 बजे आएंगे। अच्छा अच्छा, सूरज डूबेगा तब जाएंगे ये लोग। अच्छा 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 अच्छा, मतलब एक तरफ से मेला ही लगा हुआ है यहाँ। हाँ। दुकानें भी लगेगी यहाँ पे? दुकानें सब शाम को आगे देख लेना। अच्छा अच्छा, भीड़ लगी रहेगी यहाँ पे लाखों के तक। तो यहाँ पे जो है लाखों की संख्या में जब ये लोग पहुँच रहे हैं तो दिखाएंगे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरा जो कि घर जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी आगे है, तो मैं यहाँ पे आया नहीं, इससे पहले मैंने बनाया नहीं वीडियो। तो इस तरह से देख सकते हो घाटे सजी है भी, जो कि मिट्टी जो कि जेसीबी ने जो कि मिट्टी नई नई
खोदी नहीं, नहीं मतलब उससे पहले तो यहाँ पे बिल्कुल झाड़ झपड़ा था, तो नहीं नहीं सफाई हुई देख सकते, कुछ नहर भी जो है कि सफाई हुई है और पानी दिखाते हैं भी, चलते हुआ पानी देख सकते हैं, जिस तरह से ज़्यादा गहरा नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ज़्यादा मतलब 4-5 2-3 फुटों का देख सकते, पूरा नहर में नया पानी छोड़ दिया गया है, और जो है कि कल रात से जो है कि इस नहर में पानी छोड़ दिया गया था, और कुछ इस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं भाई क्या क्या नज़ारा है, और यहाँ पे थोड़ा सा बैरिकेड लगाया गया है थोड़ा आर पार जाने के लिए, कहीं जो है कि इधर उधर जाने के लिए, ये देख सकते पुलिया का टाइप सा, पुलिया टाइप सा बना रखा है देख सकते, कुछ इस तरह ज़्यादा गहरा पानी नहीं, पुल बताए थे लग रही, अरे भैया कितना गहरा है ये, गहरा कम से कम 10 फुट गहरा है, 10 फुट गहरा है, तो इसमें तो आदमी डूब जाएगा, दो फुट है, 4 फुट है, अच्छा 4 फुट है, 2-3 फुट है ज़्यादा, और तो मतलब पानी छोड़ दिया इसमें नया कल रात को, अभी छोड़ रहा है पानी, अच्छा ये पानी कहाँ से छोड़ा, पीछे से, अच्छा वो तो पानी साफ हो गया, बढ़िया हो गया भैया, ये पुल है रे, ये एक नज़ारा, एक नंबर का नज़ारा बना हुआ है भाई, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और देख सकते कुछ इस तरह से भाई सजी हुई है बिल्कुल एक नंबर की, देखो अब आ गया मैं उरली साइड, कुछ इस तरह से मेला लगने वाला है यहाँ पे, कुछ लोग जो है कि तैयार करने लगे हैं भाई, घाट सजाने में देखते लिपाई पुताई करने में, कुछ इस तरह से भाई बहुत अपने अपने श्रद्धा है, देखो भाई लिपाई पुताई कर रहे हैं भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे जो है कि इनका परिवार उवार बैठेगा, मतलब पूरा मतलब छठ का महापर्व जो है कि बड़ी धूमधाम से मनाते हैं ये लोग, तो मतलब अच्छा लगता है देख सकते कुछ इस तरह से, ये देखो भाई छठ पूजा का जो है कि पूरी नहर की सफाई हो चुकी है, ये है असंध रोड असन नहर, और चलते हैं थोड़ा सा आगे, वहाँ भी दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या नज़ारा है, आप भी छठ पूजा में आए शामिल, बिहार से हो, अच्छा यूपी से, हर साल मनाते हो, अच्छा तो मतलब अपने अपने जगह गए नहीं पड़ते हैं, कितने दिन के लिए, बस आज और कल, आज और कल 2 दिन के लिए, अच्छा और जिसको बाई चांस जगह नहीं मिली तो कोई बात नहीं, किसी मर्जी से हो जाते हैं, अच्छा तो आप जल्दी आ गए हैं जगह करने के लिए, नहीं हमारा तो काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे, यहाँ कम से कम हफ्ता से लोग छेक रहे हैं जगह अपनी बना रहे हैं लोग, अच्छा तो बाकी की सारी जगह घेर रखी है सबने, सब घेर अच्छा मतलब कोई भी जगह खाली नहीं है, नहीं अभी तो गली में था, अच्छा ये जो लाइटें जहाँ जल रही है ना वहाँ तक, चलो ठीक है भैया, तो भाई शौचालय की व्यवस्था कुछ इस तरह से करके रखी है प्रशासन ने, नीचे पुरुष जा सकते हैं शौचालय करने, लेकिन लेडीज के लिए आगे उधर बना रहता है आगे बाद सामने शौचालय के लिए, अगर पुरुष शौचालय है कोई लेट लूट नहीं करते भाई इसके अंदर, बस इसी की दिक्कत है और तो कुछ नहीं, तो गाइस बाकी तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं भाई यहाँ पर जो मैंने दिखाया आप लोगों से, क्योंकि भीड़ जो है कि सारी जगह जो है कि जो दिख रही है आपको, इस सारी जगह लोगों ने घेर रखी है भाई, आगे तक देख सकते हैं सब घेर रखी है लोगों ने, और उसके बाद जो है कि बस कल आज रात से मतलब 3 बजे से जो है कि यहाँ पर जो है कि छठ पूजा का महापर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, लाइट की व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने देख सकते ऊपर देख सकते पूरी सारी लाइट देख सकते हैं, शाम को आऊँगा तो नज़ारा कुछ एक नंबर का रहेगा, हट के रहेगा तो सारा शाम को दिखाऊंगा, और नीचे तो बहुत ज़्यादा दलदल है देख सकते कुछ इस तरह से, पूरी मिट्टी मिट्टी है, पूरे पैर भी गंदे गंदे हो रहे हैं तो इस तरह से, लेकिन अभी जो है इस तरह की मिट्टी है, लेकिन शाम को बिल्कुल पता नहीं लगेगा भाई, इस तरह से जो है कि पूरा जो है कि मतलब एक नंबर का सिस्टम हो जाएगा, मतलब पता नहीं लगेगा कि इतनी मिट्टी होगी यहाँ पर, क्योंकि सारे इतने लोग चलेंगे तो सारा अपने आप सेट हो जाएगा, लोग जा रहे हैं मैं परली साइड को, लाइट की व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने बड़ी बढ़िया से, धूम से एक नंबर का जो कि नज़ारा बना हुआ है गाइस देख सकते, पानी बिल्कुल हरा हो चुका है, कभी जो है कि यहाँ पे पानी जो है कि बिल्कुल गंदा पानी जो कि रहता था, गंदे पानी में लोग नहाते रहते थे बच्चे, लेकिन पानी जो कि बिल्कुल साफ देख सकते हो, बिल्कुल हरा हो रहा है उसका नज़ारा कुछ इस तरह से, रात को जो कि लाइट की व्यवस्था हो रखी है बिल्कुल बढ़िया से, कहीं भी जो कि अंधेरे का वो नहीं होगा आप लोगों की दिक्कत, चलते थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आप लोगों को नहर के पानीपत की नहर में क्या हाल है, होटल वगैरह जो है कि भाई चाय के जो है कि ठेले भी लग चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा बिक्री होने वाले यहाँ पे चाय के ठेलों की, बहुत ज़्यादा जो कि दुकानदार जो है कई जो है कि रोज़गार की तलाश में भटकते रहते हैं यहाँ पे, आ जाओ भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है कि बिक्री होने वाली है आप लोगों की, कुछ नज़ारा इस तरह से, पानी एकदम साफ हो गया भैया, देखो भाई यहाँ से आ रहा है ये पानी, यहाँ से छोड़ा गया है, देखो भाई पूरा नज़ारा आगे तक देख सकते जिस तरह से,
दिखाते हैं कहाँ से आ रही पानी। ये लो भैया, यहाँ से छोड़ा गया है पानी नीचे से। तो इस नहर में तो गैस जो है कि पानी जो है कि बंद ही रहता है, क्योंकि अभी पानी की ज़रूरत नहीं है इसे। तो यहाँ से जो है कि इधर से यहाँ से जो है कि पानी छोड़ दिया गया है, क्योंकि छठ पूजा के लिए जब तक छठ पूजा होती है तब तक यहाँ से जो है कि बैराज जो कि उठा दिया गया है। देश इतना उठा गया, देखो देश इतना उठ गया, उठा रखा है पूरा। तो बैराज ऊपर उठा रखा, नहीं तो नीचे रहता था। ये देख सकते हैं नीचे पानी अभी जो भी जा रहा है। जैसे जो अंकल जी भी आ गए भैया, राम राम अंकल जी। खिलौने एक दुकान लगा दी सुबह से। अच्छा कहाँ से आए हो? अच्छा कच्चे कैंप से। अच्छा अच्छा अच्छा, मेला लगने वाला है 2-3 दिन? आज ही लगेगा, कल लगेगा, बस 2 दिन। आज और कल है? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो भाई मेला लगेगा 2 दिन। सभी श्रद्धालु सभी निवेदन है कि बड़ी नहर में छठ पूजा ना करें, किसी तरह की घटना घटने पर स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो भैया क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी नहर है, यहाँ पे जो कि काफ़ी घटना घट जाती है, कई लोग जो कि डूब गए हैं यहाँ पे, तो डूबने से कई लोगों की जो है कि हो चुकी है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है भी इस बड़ी नहर में छठ पूजा ना करें, ना ही यहाँ पे जाएं। तो भाई ये नहर जो कि बहुत ही भयानक जो है कि भाई साहब इतनी गहरी है उनकी बात। तो गैस देख सकते हो पानी, देखो कितनी खतरनाक जो है कि भयानक दृश्य हो रखा है। अगर इसके अंदर कोई डूब गया ना भाई साहब, ये देखो ना भयंकर हो रखा है। ये देखो ये भी बड़ी नहर असम वाली। तो देख सकते हो भाई 1-2-3-4 कलवट है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी है भैया। इतना पानी जो है कि जो मैंने अभी आप लोगों को दिखा रहा था पानी, जो जितना भी पानी वहाँ पे आया है सभी इसी नहर से आ रखा है। तो यहाँ से जो कि पानी छोड़ दिया गया है आगे, देख सकते हो कुछ इस तरह से। और अभी जो कि ये चाहे तो सारा पानी छोड़ दें, लेकिन हिसाब से पानी छोड़ना, क्योंकि जो है कि वहाँ पे जो कि छठ पूजा भी करनी है लोगों ने, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे। तो कुछ इस तरह से भाई साहब नहर देखो भाई, ओ हो बहुत ही मतलब खतरनाक हो रखा है। यहाँ पे प्रशासन ने भाई वो लगा रखा अलर्ट बोल्ट, यहाँ पे ना छठ पूजा ना करें, 2-2 जगह लगा रखा भाई। और ये देखो भाई, अगर यहाँ पे गिर गया कोई बंदा तो भाई साहब ये सब तो गलत कर रखा भाई प्रशासन। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा कर किसी ने धक्का धुक्का दे दिया भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेलिंग होनी चाहिए थी भाई, बहुत ही बेकार है भाई। देखो पूरी जगह दिख रहे हैं ऐसे कुछ इस तरह से। तो अगर जो है कोई बंदे जो है इतनी भीड़ में अगर कोई बंदा इधर कोई इधर आता है भाई, तो इतनी यहाँ पे जो है जैसे कि वहाँ पे रेलिंग दे रखी है, तो इससे यहाँ पे भी रेलिंग देनी चाहिए थी। यहाँ पे रेलिंग रोलिंग कुछ है नहीं, अगर किसी को धक्का लग गया तो गिर गया तो ये देखो बहुत देखो सीधा नीचे गिरेगा। पानी बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, देखो अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कितना गहरा है पानी। देखो ये देखो बहुत बड़ी नहर में भी मेरे ख्याल से पानी छोड़ दिया गया है छठ पूजा की वजह से, बहुत ही गहरा है भाई, बहुत ही गहरा। ये देखो भाई पानी का स्वरूप देखो भाई कितना खतरनाक हो रहा है। देखो सुबह के टाइम है जो कि पीटी की पार्टी थोड़ी धीमी है, मतलब सही नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि भाई कोहरा लगा हुआ है। सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम पर थोड़ा साफ नहीं दिखता था, छाप रहा थे बस। ये भाई खतरनाक जो है तो गाइस ये थी भाई छठ महापर्व की तैयारियां जो कि आप लोगों ने देखी। तो मैंने आप लोगों को दिखा दी कैसी कैसी जो कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही है। तो गाइस फाइनली इस वीडियो को रखते हैं भाई यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, देखकर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार जो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।